नमस्ते, मैं हूँ तत्परा अहोरात्रा। आजकल आप सबने ज़रूर न्यूज़ चैनल्स में देखा, सुना या न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि कितने ही संत जेल में डाले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग्स। इसलिए मैंने ये टॉपिक पर बात करने का सोचा। मुझे पता है दैट आई एम नॉट मैच्योर इनफ टू टॉक अबाउट ऑल दिस, पर फिर भी मैंने इस बारे में बात करने का सोचा। मैं जो भी कहने जा रही हूँ ये सब मैंने अपने पिताजी के साथ रहकर सीखा है। तो आज हम जानेंगे कि संत को कैसे पहचाना जाए, संत कौन होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका चाल चलन कैसा होता है, उनकी बातें कैसी होती है। इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उन सबको इक्वली प्यार करने वाला संत माना जाता है। उसके मन में किसी के भी प्रति थोड़ा सा भी द्वेष नहीं होता है। वो जितना प्यार गौ माता को करता है उतना ही प्यार पॉइजनस स्नेक्स को भी करता है। उसके लिए कोई भी दुश्मन नहीं होता है, वो सबके साथ फ्रेंडली होता है। दूसरों के दुख से पिघलकर वो कंपैशनेट होता है, करुणा दिखाता है, अपने हिस्से में आए हुए दुखों को हंसते हंसते स्वीकारता है। वो कभी भी किसी को भी अपनी बातों से हर्ट नहीं करता और ना ही किसी की बातों से हर्ट होता है। उसमें घमंड अहंकार की छाया भी नहीं होती है, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की रेखा भी नहीं होती है। वो कभी भी किसी को भी कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है किसी से। वो कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाता है और ना ही किसी से डरता है। सदा साफ रहता है, अंदर से भी बाहर से भी। कभी भी रिस्पेक्ट के लिए पीछे नहीं पड़ता और ना ही इंसल्ट से डरता है। वो समर हो, विंटर हो या रेनी सीजन हो, हर सीजन को इक्वली एंजॉय करता है। कभी भी किसी पर भी अपना अधिकार नहीं चलाता। जो इंसान कभी भी एक स्थान पर नहीं रहता है, जिसका कोई प्रॉपर्टी या एड्रेस नहीं होता है, जो इन सब के बिना जीता है, उसे हम संत मानते हैं। इस तरह से जीने वाले लोगों को दुनिया वाले अपनी अनमोल संपत्ति मानती है। इसके ऑपोजिट गुणों को अपनाने वाले लोग, जो इस धरती को अपनी ही प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा रखते हैं, वो उसी में डूबकर किसी के जाने बिना ऐसी हालत पर पहुंचते हैं कि उनकी ही धरा उन्हें 6x3 फुट की खड्डे में निगल लेती है। थैंक यू।